गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो एक स्कूल का बच्चा रेडी होके शोई पोई कर ला है। मम्मी की आड़ में शोई पोई कर ला है ये लल्ला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये तेल वाली चपड़ूस फिर से स्वागत करती है घर में। तो भाई हमने ना आज पातू को गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला दिए सुबह सुबह और पैक भी कर दिया। अब पातू को आ रहा है आलस और टाइम पता है कितना हो रहा है, 7:25 हो रहे हैं। ए पारा बाबू, मुझको ऐसा लग रहा है मैं कब सर धोऊं, मुझे रात काटनी मुश्किल हो गई। इतने ज़्यादा मैंने ऑयल लगा रखा था कि मेरे को ऑयल की आदत नहीं है ना, तो ऑयल बहुत ज़्यादा है। वो देखो पूजा भी होने लग गया। तो पार्थू के जाते ही ना सबसे पहले आज मैं पानी गर्म करके सिर धोऊंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। पारा बाबू स्कूल नहीं जाने गए क्यों? तो जाएगा। मैं बाबू ने पॉटी भी कर ली, मुंह हाथ भी धो लिया, नहाया नहीं है भाई, बहुत बर्फ जैसा पानी हो रहा है मुंबई में भी, और आके नहाता है स्कूल से। ऐसे कर कर आपको याद है छोटे में हम बच्चों को करते थे ऐसे कर 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 करते ना वाह कर ऐसे करना याद है आप लोग को ऐसे करते थे। तो भाई अब मैं जा रही हूँ पार्थो को स्कूल छोड़ने और उसके बाद आऊंगी वीडियो 8 बजे। आप लोग को कल प्रॉमिस किया था कि 8 बजे वीडियो पहुंच जाएगी, उसको भी वहां लगा के आई हूँ। डैडी का मैसेज चलो 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 आ गई आ गई। गाइस तो पार्थो को छोड़ के आने के बाद मैंने बहुत सारा काम किया है, इसे कपड़े वकड़े उठा लिए और मैंने ना कल जूट का कारपेट धोया था, अभी दिखाऊंगी आपको, वो भी फैलाया इस कमरे से उठा के वहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, चाय एंड आलू के कानी चौक वाले पराठे। तो ये देखो कच्चा पलटने से ना ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट आलू का पराठा, चाय और अचार, ये खाऊंगी मैं बैठ के यहाँ। और ये देखो यहाँ कुछ कपड़े वगैरह उठा लिए और ये कारपेट है ना कल मैंने धोया था, सारे पौधों में पानी वगैरह डाला। तो यहाँ पे आज मैंने डिसाइड किया कि ये दो मोड़ों को मैं अब इस रूम में बिछाया करूँगी, दोनों को एक साथ। और इनके कुशन कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं, जो अजियो से मंगाए थे ना वो वाले लगा दिए हैं। मैंने ना देखा कि मेरा एक साइड का ये वाला कॉर्नर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से फुलफिल है और ये वाला देखो तो बिल्कुल खाली, उसकी वजह से दीवार भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। चलो इस रूम का जो कारपेट था वो भी सूख गया था तो उसको यहाँ बिछा दिया है मैंने। और ये देखो बहुत अच्छे से साफ हो चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ सर्फ ज़्यादा पड़ा था वहाँ सफ़ेद हो गया। कपड़े मैंने यहाँ दोबारा सुखाती हूँ करारे होने के लिए, क्योंकि उस साइड इतनी धूप नहीं आती ना, और बड़ा वाला पिलो यहाँ रखती हूँ क्योंकि मैं नीचे बैठती हूँ ज़्यादातर। और आज बेडशीट भी चेंज कर दी थी और ये वाली मेरी मोस्ट फेवरेट है अजियो से, ये भी मैंने मंगाई थी, 1.5 साल हो गए इसको भी, बहुत बहुत ज़्यादा रगड़ती हूँ उसको मैं। पार्थो का कॉर्नर भी क्लीन करा और यहाँ पे अब ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, खिड़की के नीचे है ना तो अच्छा सा धूप भी मिलता है और ये दोनों अब मैचिंग भी कर रहे हैं ना। तो ये वाली जो टी शर्ट होती है ना, कान पकड़ लिया मैं आज के बाद नहीं लूँगी, वो क्या कहते हैं उसको जो टाइट आगे ऐसे करके बांधने वाली होती है, तो ये देखो इसको ना मैंने कट कर दिया। ये इतनी अनकंफर्टेबल थी ना, ऐसे मेरे पास 2 या 3 टी शर्ट है और उसमें ना ऐसे वी करके फिर ये लंबी लंबी छोड़ रखी है, अब इनको गांठ मारो तो इतना मोटा सा हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं सच में अब कभी भी नहीं लूँगी, ये बहुत ही बेकार लगी मुझे, अच्छी नहीं ए ए ए तो मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी ये टाई करने वाली। देखो इतना मुझे कट करना पड़ा जहाँ पे इसके आगे का कट शुरू हो रहा था, तो थोड़े दिन पहनूंगी घर में, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन चल पाएगी अब ये, तो धोने के बाद अगर ऐसी ढीली हो गई तो ये वेस्ट हो जाएगी, लेकिन मेहंदी वेहंदी लगाते टाइम के लिए रख लूँगी। तो बस घर का सफाई वफाई किया, वीडियो अपलोड करके आज सुबह 8 बजे ही आप लोग के लिए पोस्ट कर दी थी, और अभी घर के काम ही कर रही थी धीरे धीरे अपना टीवी लगा के, और ज़्यादा कुछ था नहीं, अकेली थी, क्या बकबकाती। मैंने सोचा ज़्यादा अपना चेहरा दिखा दिखा के व्लॉगिंग करने से अच्छा है कि छोटी व्लॉग बनाएंगे लेकिन कुछ काम करते हुए दिखाएंगे। तो आज ना दिन में कुछ दाल चावल रोटी सब्जी नहीं सोच रही हूँ बनाने की, सोच रही हूँ कुछ और बना देती हूँ, जैसे पार्थोर में थोड़ा सा पार्टी टाइप कर लेते हैं, हम 2 दिन रह गए शायद अनुप आ जाएँ, उसके बाद फिर प्रॉपर खाना ही बनेगा।
तो आज मेरा मन कर रहा है कि चाउमीन बना देती हूँ। पार्थो को चाउमीन बहुत पसंद है, पास्ता बहुत पसंद है, तो पास्ता वो ना टमाटर वाला पसंद करता है जो कि वो नहीं खा सकता, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चाउमीन बना लेते हैं खाने में और वो खाएंगे। तो वो रेसिपी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बार शेयर कर रखी है, तो मैं आज ना खाने में बनाऊंगी चाउमीन। और पहले तो मैं जा रही हूँ गाजर और एक संतरा खा के धूप में थोड़ा बैठूंगी, बाल सुखाऊंगी, बहुत ऑयलिंग करी थी रात को मैंने, तो अब जाके मुझे हल्का हो रहा है, तेल लगा के भारी हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और स्पेशली बालों के लिए। यार होम रेमेडीज़ तो मैं जो भी मैं करती हूँ आपके संग शेयर करती हूँ, इसके अलावा मैं आपको क्या ही बताऊँ कि आपके बाल झड़ रहे हैं। मैं कोई हेयर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मेरे खुद के भी झड़ते हैं ना आप लोगों की तरह, तो जितना भी हो सके ना मेरी एडवाइस मानो, जितना भी हो सके होम रेमेडीज़ करो, बालों में ऑयलिंग करो, थोड़ा सा हीना दो, हीना बहुत ज़्यादा नहीं रखो, सिर्फ एक घंटा रखोगे तो वो मेडिसिन की तरह काम करता है बालों में, बालों का झड़ना बहुत कम कर देता है। मैं आपको ऐसे बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है ना मंजू सरोजनी नगर में, वो पहले हीना बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, उसके ना और दहशत थी मन में कि मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे, मुझे एलर्जी हो जाएगी, हीना से ये हो जाएगी। मैंने एक बार उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लगा दिया, उसके बाद जो उसके बालों का टेक्स्चर हुआ ना उसको इतना पसंद आया। उसको पहले वो था कि तीन तीन चार चार घंटे लोग रखते थे तो ऑरेंज हो जाएंगे ऐसे, तो हीना लगाने का भी एक तरीका होता है अगर चीज़ों को मिला के लगाओगे। जैसे एक दिन सोनी ने भेजा था कि मेरे हाथ में रंग चढ़ रहा है इतना सामान डालने के बावजूद भी, सीमा ऐसे कैसे, तो भाई तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है इसीलिए रंग चढ़ रहा है, तो रंग तो देखो आता है। मैंने ऐसे लगाया, आप लोग को दिखाया भी था, लेकिन उसके बावजूद मेरे कलर आया था, तो हीना अपने आप में भाई उसको आप हीना का काम ही कलर छोड़ना है, तो लेकिन वो उस लेवल पे नहीं छोड़ेगी फिर, तो तरीके होते हैं उसको लगाने के। तो हीना लगाओ, मेथी भिगा के पीस के लगाओ, और क्या बताऊँ आपको, दही लगा सकते हो, ठंडा भी दही मत लगाओ वहाँ पे जैसे, तो ऑयलिंग करो, गुनगुने ऑयल से हल्की हल्की मसाज करना शुरू करो, वीक में दो बार करो, और गर्म पानी से सिर मत धो, खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, उससे भी बाल झड़ते हैं, और जितना हो सके सॉफ्ट वाले जो शैम्पू होते हैं उनको यूज़ करो, हार्श शैम्पू यूज़ मत करो। जो आपका कंडीशनर होता है उसको कभी भी स्कैल्प पे अप्लाई मत करो, बाल बहुत झड़ेंगे। कंडीशनर को हमेशा बस यहाँ से यूज़ करना है, टच नहीं करना है आपको स्कैल्प पे बिल्कुल भी। तो बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपके बाल खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं और थोड़ा बेटर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाती हूँ और बनाती हूँ। तो भाई बालों के लिए ना सिर्फ लगाना ही, हेयर केयर ही ज़रूरी नहीं है, खाना भी ज़रूरी है। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको रॉ भी खाने की कोशिश कीजिए, जिनको खा सकते हैं। तो ये देखो संतरा और गाजर लेके बैठी हूँ, एक पूरा गाजर है और एक पूरा संतरा है, तो खाओ भी, तो सिर्फ लगाने से थोड़ी होगा, खाने से भी होगा। और मैंने सुना है डॉक्टर कहते हैं कि पानी की कमी से भी बाल बहुत झड़ते हैं, तो पानी भी ज़्यादा पियो। बहुत सारे रीज़न होते हैं बाल झड़ने के, कोई एक रीज़न है नहीं, और कभी कभी मौसम चेंज होता है तो भी बाल झड़ते हैं, और सर्दियों में बाल ड्राई होते हैं इसलिए भी झड़ते हैं। तो बालों के झड़ना कोई इश्यू नहीं है, बाल झड़ते हैं ये नेचुरल चीज़ है। तो जैसे पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं उसी तरह सर भी अपने बाल चेंज करते हैं, नए ग्रो होते हैं, लेकिन नए ग्रो हो ये ज़रूरी है, बेबी हेयर आने ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा खाने पे, खाना खाने वाले चीज़ों पे भी ध्यान दो, लगाओ भी, और जितना हो सके होम रेमेडीज़ करो, ठीक है। तो बस अब मैं ये देखो संतरा और गाजर लेके आई हूँ, यहाँ पे धूप सेक रही हूँ आज, बहुत अच्छा लग रहा है धूप सेकना, और कपड़े तय मारूँगी फिर बनाऊँगी मैं खाना वाना। मीठा नहीं है गाजर, इतने सारे लोगों के संग रहते रहते पता नहीं कब अकेले रहने की आदत छूट गई, अब बहुत ही ख़राब लग रहा है घर पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, भूत जैसे सुबह 7:30 बजे से 3:30 तक भूत जैसे अकेले बैठे रहो, टीवी में गाने लगा के, अच्छा नहीं लगता अकेले। अब आ जाएंगे अनु, आई थिंक भाई मेरे को संतरा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता ऐसे खाना, जैसा जूस पिला दो मुझे नमक डाल के, बहुत ही खट्टा, हमेशा मेरी किस्म से खट्टा ही संतरा आता है। बाबा कौन आया भाई, कौन आया? मुझे ऐसा लग रहा है हाँ? कि
आपने पिकनिक के पैसे दे दिए थे। क्यों बेटी? क्यों बेटी? ऐसे लग रहा है इतना खुश है। ऐसे नहीं हो सकते। मैं इतनी कभी खुश हो ही नहीं सकती। नहीं क्यों बेटी? How was your day? Good. हाँ, what happened? कुछ नहीं। कैसे लग रहा है आपको मैंने पिकनिक के पैसे दे दिए? अच्छा लग रहा है। ऐसे कैसे लग रहा है? मैंने तो नहीं दिए। और ये अंदर से रेड कछू क्यों दिख रही है मेरी बेटी की? एक खुशी स्टैंडर्ड ने भी बोला कि तेरी छुट्टी है। तेरी छुट्टी है? चट्टी चट्टी दिख रही है। कहाँ पे बेटी? घर पर। क्यों तो घर पे ही तो रहता है? बहुत ज्यादा देर तक 9 बजे तक। नीचे खेलने आए? अच्छा, ये क्या कर रहे हो? सब सब्सक्राइबर के सामने निकर ओपन कर दिया आपने? कर लूंगा, ये वाला भी कर लूंगा। हाय राम, शर्म नहीं आती? नहीं आती। क्यों? आनी भी नहीं। हाँ, और ये संभालो, ये संभालो, ये संभालो। तो भाई पार्थो ने ना आके गर्म पानी से नहा भी लिया है। अभी कहाँ बोला मैंने? और यहाँ पे मेरी चाउमीन की तैयारी हो गई है। गोभी काट ली, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरा धनिया, और ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा। और ये सुबह से पराठा बनाया था ना, इसी कढ़ाई में फटाफट से बना देती हूँ। वही हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है, अब पार्थो में खाएंगे। तो आजकल है ना, मैंने पार्थो को एक एपिसोड दिखाया मालगुडी डेज का। मैंने उसको बोला चल तेरे को दिखाती हूँ, तो जब हम खाना खाते हैं ना रात को, तो मालगुडी डेज का एक एपिसोड उसको दिखाती हूँ। बच्चों का बहुत अच्छा है, उसको इतना पसंद आया। अभी बोले मम्मी चाउमीन खाते हैं और मालगुडी डेज देखते हैं। मैंने कहा चल देखते हैं। तो हम दोनों मिलके दोनों खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे। आज एडिटिंग अभी नहीं करूँगी, रात को करने बैठूंगी। कल सुबह पॉज कर दी वीडियो। एंड कल है ना पार्थो की छुट्टी भी है, क्योंकि पार्थो के स्कूल से ना बच्चों को पिकनिक ले जा रहे हैं। वो पहले ले जाना था, वो कैंसिल हो गया था, तो अब वो दोबारा से ले जा रहे हैं। तो मैंने पार्थो को नहीं भेजा, क्योंकि वाटर पार्क ले जा रहे थे और पार्थो को फिर वही वाटर पार्क ले जा रहे थे, फिर वो पार्थो को ना वही पानी में खेलता, फिर वो बीमार होता, तो मैंने तो नहीं भेजा। अभी थोड़ा बड़ा हो जाए नेक्स्ट ईयर, फिर मैं भेजूँगी। मतलब कह रहे थे भेज दो यार, मैंने नहीं, मैं अभी नहीं भेजूंगी। वहाँ पे वो क्लोरीन वाला पानी होता है, सब बच्चे उसमें, फिर नहीं मन कर रहा था मेरा। तो चलो ओहो, तो चलो बस अब हम दोनों खा लेते हैं मामी का खाना। आजा बेटा, आओ, लाइट खोलो, लाइट, अंधेरे में नहीं खाएंगे, लाइट खोलो। अरे इसको तो खत्म होने दो। वो इतना बत्ता मुझे पिक्चर नहीं लगा रहा, मैं इसको बोल रही हूँ कोई कार्टून मूवी लगा ले, जल्द दोनों देखेंगे। मालगुडी डेज के एक एपिसोड अकेले देख चुका, जब तक मैं पका देती हूँ। लगाना जगा। कैसा बनाया बाबू? शुरू से लगाते ना बेटा। My name is Baby. That makes sense. I was alerted to the need for medical attention when you said, "Oh no, 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 no." Sir, I'm fine. Don't. You robot? You need some time to relax. Hey guys. शाम के 7:45 और अब जाके मैं अपनी चाय ले रही हूँ। और पता नहीं इस कैमरे में क्या हो रहा है, मैं पता है आपको पूजा भी करके आ गई हूँ, मैं दिखा के आई और शूट किया तो सारा का सारा उड़ गया। आई डोंट नो क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे शाम की पूजा भी मैंने कर ली है, 7:45 रहे हैं, अंधेरा हो गया ना, तो मैंने सोचा चलो पूजा कर लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ। और यहाँ पे ना एक चक्कर कपड़ों के और लगा दिए मैंने, अब सुबह कपड़े नहीं धोऊंगी, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो ये देखो कपड़े भी धुल गए। और भाई गाइस, अब जाके शाम की चाय पी रही हूँ 7:45। आज नहीं पी मैंने चाय, मन नहीं कर रहा था, बहुत लेट खाना खाया था ना आज हमने। और वो देखो थोड़े से कपड़े भी धो के रख दिए थे मैंने, चादरें वगैरह थी, तो वो चादर अब सारी की सारी, वो ना 3-4 बेडशीट कौन सी होती हैं जैसे विराज यहाँ सोते हैं ना, तो वो जो बिछाते हैं और ओढ़ते हैं वो वाली चादर, जब वो आने वाले होते हैं उससे कुछ टाइम पहले मैं सारा धो देती हूँ, फिर से फ्रेश हो जाता है, नहीं तो फिर वो एक स्मेल सी रहती है ना, सो के छोड़ देते हैं ऐसे। तो वो सारी थी, वो भी मैंने धो दी। अब सुबह कल कपड़े नहीं धोऊंगी बिल्कुल भी। खाना सोच रही हूँ पालक पनीर, पालक की एक छोटी सी गड्डी लेके आई थी। पार्थ को पालक पनीर पसंद नहीं है, पालक वैसे नहीं खाता, पनीर की सब्जी खा लेता है, तो देखती हूँ पनीर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी सिंपल सा।
वो खाएंगे। पहले मैंने सोचा था लंचा बना देती हूँ, वो पड़ा हुआ था, मावा पड़ा था पनीर बना के, लेकिन फिर देखा देसी घी ही नहीं है, देसी घी के बगैर तो बनेगा नहीं, देसी घी ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो अनूप आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो फिर तब बनाऊँगी। चलो अभी चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो ये गाइज, आपसे बात करने के बाद ना, चाय पीने के बाद, मैं बुक पढ़ते पढ़ते वहाँ कारपेट में ही 7:30 बजे तक मुझे याद है कि मैं उठी थी। उसके बाद बस एक बेल बजी तो देखा 8 बज रहे और पार्थो आ गया, मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला मतलब, और मुझे ठंड लगने लगी। वो जो पिंक वाला मैंने पहना था ना, वो क्रॉप बना के, उसकी वजह से मेरा पेट फूल गया गैस से, अजीब सा मुझे ठंड सी लगने लगी, जैसे उसको समझोगे आप लोग कभी कभी हम बोलते हैं पेट अफरना, अजीब सा होने लगा। मैंने फटाफट से टी शर्ट चेंज करी, पार्थो को मैंने बोला पालक पनीर बनाऊँ तो मना कर दिया, फिर मैंने कहा चल, बोला मम्मी पनीर भुर्जी बना दो, तो यहाँ उसके लिए पनीर भुर्जी बना दी है और अब जा रही हूँ रोटी बनाने। तो बस आज का दिन भी यही समाप्त होता है, खाना वाना खाएंगे, एक सेकेंड, बस अब हम दोनों खाना वाना खाएंगे और आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बिस्तर में घुस जाएंगे और सुबह उठ के वीडियो बनाऊंगी और शाम को ही अपलोड किया करूंगी। कोई फ़ायदा ही नहीं है सुबह वीडियो देने का, बताओ सुबह 8 बजे से वीडियो जारी की तो व्यूज़ इतने कम आए, और अगर रात को वीडियो डालती हूँ तो सुबह तक ऑलमोस्ट 700-800 होने लग जाते हैं, तो ये कोई बात होती है भल्ला? हम अपने रात को ही वीडियो डाला करेंगे, अब मैंने तो सोच लिया है ना पार्थू। एंड पार्थू यहाँ पर अपनी ड्राइंग कर रहा है, और देखो हवा कैसी आ रही है ये उड़ उड़ के, ठंडी नहीं लग रही है आपको है पुतुल जोशी? पुत्र पुतुल, पार्थू का नया नाम तो बता दो, पार्थू का नाम है आपसे पुत्र पुतुल, क्योंकि ये पुत्र है ना हमारे प्यारे प्यारे पुत्र, और पुतुल इनका नाम है, या तो पुत्र पार्थ बोल लो या पुत्र पुतुल बोल लो, है ना। चलो आपकी खाना बन गई, तो चलो गाइस बस अब आज की ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, खाना बनाऊंगी और खाएंगे बस अब, और मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट करके ही जाना, बाय। वो बदल गए, अच्छा किस बात पे प्राउड करती थी? अपनी ब्यूटी पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी खूबसूरती पे। वेरी ऑफ्टन ही वुड लुक एट हिज फ्रिजेस फेदर्स एंड देन वन डे ही केम क्रॉसिंग अ क्रैन एंड सेटिंग मेक अप हिम बाय Starting mocking him by moral of the story, beauty has only value into yourself, it is useful. दिखाओ, moral of the story, beauty has no value unless it is useful. इसका meaning समझ आया? Yes. नहीं समझ आया? मैं इसको हिंदी में सुनाऊं आपको? वेरी गुड, आपने इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड।